सर ये जो रूमर्स आ रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए। मैं एक चीज फैक्चुअली आपको कंफर्म करूंगा भाई, तो बोल दिया द लीडर्स हैव एग्रीड टू फॉर्म एन अलायंस पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस at the level of leaders and leadership only can say what are the contours of this alliance. It has not come down to us as MLAs. I am an MLA. I have been only told this much and alliance has been agreed. That is all. Today is Eid-e-Milad-un-Nabi. No further progress. No further progress to us. Who will be heading this? We will meet each other. मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी, मैं ऑनेस्टली सच कहूंगा। हरीसा का मौसम है, हरीसा खाते हैं, ऐसे ऐसा तो चलता ही रहता है। उमर साहब से आज आपकी मुलाकात हुई, इस बात को चर्चा हुई? मेरी कोई अलायंस के बारे में कोई ऐसी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जनरली वी ऑल मीट, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन ये लीडरशिप लेवल पे है, अभी ये बात कन्फर्म्ड है। यस देयर इज अ सीरियस level of discussion which has taken place and I think an alliance has been agreed. What are the contours of the alliance? Kab banegi? Kya banegi? Kaise banegi? Ye hai ki majority mujhe lagta hai kareeban 60 MLAs ek jo ek platform hai wo 60 MLAs ka hai. मसला कश्मीर इस वक्त, कश्मीर और कश्मीर के हालात और यहाँ के जो हमारी एक आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी की तशक्कुस के लिए ये अलायंस बन रही है, किसी कोई हुकुमरानी के लिए नहीं बन रही है। इट इज ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर स्पेशल आइडेंटिटी व्हिच वी हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई थिंक द लीडर्स हैव एग्रीड, दैट इज ऑल व्हाट आई नो अबाउट व्हाट आई मुझे नहीं मुझे ऑनेस्टली आई हैव नो डिटेल। अगर कोई भी जो चीज हो रही है वो खाली लोगों के एस्पिरेशंस को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, जो हमारा तशक्कुस है, 370 इज अंडर अटैक, 35A इज अंडर अटैक, we have to respond. We are also like commoners here, everybody. We have to respond to this situation. As elected representative, we have to respond. Altaf sahab, jis tarah third front upar raha tha, kya usse dar kar ye kadam uthaya ja raha hai? सीखिए, डेमोक्रेसी में बहुत सारे फ्रंट आएंगे। डेमोक्रेसी तो इसी का नाम है, लेकिन यहाँ कोई फ्रंट नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 61 लोग अगर मिलेंगे तो 2/3 ही बनेगा ना, बताया जा रहा है। सर, विल यू रन द गवर्नमेंट फॉर 2 लॉन्ग इयर्स बिकॉज़ देयर इज अ टाइम, और यू विल डिसॉल्व इट एज द रूमर्स आर कमिंग? मैंने कहा हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें ऑनेस्टली इतनी पता है कि लीडर्स ऑफ थ्री पार्टीज हैव अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट दे शुड रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन व्हिच इज लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में इतना लेट क्यों ख्याल आया? यस सर, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा, हमने लोगों के एस्पिरेशंस को ही मद्देनजर रख के काफ़ी सारी चीज़ें की, जिनके लिए हमें ब्लेम भी किया जाता है कि ये मेन स्ट्रीम पार्टीज है, इन्होंने क्यों ऐसे किया। तो ऐसा नहीं है, जो लीडर्स हैं वही उन्हीं में से कोई होगा, कौन होगा क्या होगा हमें कोई नहीं। खैर, ये मसला चीफ मिनिस्ट्री का नहीं है, ये इस वक्त मसला है रिस्पॉन्ड करना एक सिचुएशन को, जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। हमारी देखिए, हाइपोथेसिस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, और हाइपोथेसिस पे मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। वी विल रिएक्ट टू अ सिचुएशन एज एंड व्हेन इट डेवलप्स एनीथिंग। हमें अभी तक यही पता है, यस द लीडर्स ऑफ दीज थ्री पार्टीज हैव agreed to go ahead with an alliance. What? माइक था तो बोल, मुझे लगता है जल्दी अनाउंस होगा फॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी होगा। Should be ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ही होगा। सर, कल एनसी का कोर ग्रुप का मीटिंग है, विल यू विल आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट एंड देन विल फॉर्मली अनाउंस इट विद द नेशनल कॉन्फ्रेंस? ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है उनका कोर ग्रुप का है, मुझे ये भी पता नहीं है हमारी पार्टी का मिल रही है, लेकिन आज का मुझे 100% पता है कि आज चूंकि ईद मिलाद उन नबी सलाम है, इसलिए आज कोई नथिंग हैज बीन प्लान फॉर टुडे, बस इट इज सच अ सीक्रेट। चाय कब की हूं? बताइए।